Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I Shyam Upadhyay, student of King George Medical University, Lucknow. तो आई होप कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही होगी. और अभी तक मैंने काफ़ी क्वेश्चन जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के आप लोगों को करा दिए थे, तो आज कुछ और नर्सिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो काफ़ी ध्यान से लेक्चर वीडियो एंड तक देखना, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं. तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहले क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन ए कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. ठीक है, तो जो क्वालिफाइड नर्स है उसका कंटिन्यूइंग एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग है उसमें उसका मतलब क्या रोल होता है, क्या काम होता है एक नर्सिंग ऑफिसर का. तो ऑप्शन देखते हैं. पहला है कि इग्नोरिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन नर्सिंग प्रैक्टिस. बी है Engaging a continuous professional development, enhance knowledge, skill and competence in nursing practice and stay current with best practice in advancement in healthcare. Third है refusing to engage in continued professional development and D है all of the above. तो इसका कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है? इसका फोर्थ होगा कि जितने भी सारे यहाँ पे हैं वो सब किसके हैं? एक नर्सिंग ऑफिसर के रोल होते हैं. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगले क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज नॉट एसेंशियल फॉर ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स. इनमें से एक ऐसी क्वालिटी है जो एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्सिंग ऑफिसर के लिए रिक्वायर नहीं जरूरी है. तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? एम्पैथी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्किल्स, डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड पेशेंट. तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका यहाँ पर फोर्थ होगा कि डिसरिस्पेक्ट टू पेशेंट. जो नर्सिंग ऑफिसर है उसको पेशेंट की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, बल्कि पेशेंट को अच्छे से बात करना है, उसको कोप अप करना है. ठीक है, तो मतलब उसको मोरल सपोर्ट देना होता है, ऐसे किसी की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं होता है. तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड का फोर्थ ऑप्शन जो है सही होगा. तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी फॉर ए नर्स टू हैव इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए पेशेंट हेल्थ केयर. इनमें से कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो एक नर्सिंग ऑफिसर के अंदर होना चाहिए? पहला क्या है? इग्नोरिंग पेशेंट प्रेफरेंसेस, बीइंग जजमेंटल, शोइंग एम्पैथी एंड ठीक है फोकसिंग ऑन इलनेस रादर देन पेशेंट. तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? शोइंग एम्पैथी. जो एक एम्पैथी है उसको क्या है दिखाना है एक नर्सिंग ऑफिसर को, किसके टूवर्ड्स टू द पेशेंट. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी फॉर द नर्स टू हैव इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इफेक्टिव पेशेंट एजुकेशन. ऑप्शंस देख लेते हैं. पहला है कि लैक ऑफ पेशेंस. बी है इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल. सी है नॉलेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर. डी है इग्नोरिंग मैटर. तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका यहाँ पर थर्ड होगा कि नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. मतलब कि जो नर्सिंग ऑफिसर गया है जो पेशेंट को एजुकेट करने, उसको उस चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो अच्छा जो है इफेक्टिव वो मैटर जो है डिलीवर कर पाएगा पेशेंट के लिए और उसको बता पाएगा कि उसको कैसे मतलब बेसिकली पेशेंट एजुकेशन. देखो हम बताते हैं कि पेशेंट को कैसे अपनी मतलब लाइफस्टाइल चेंज करनी है, कौन कौन से कैसे खाना जो है किस तरह का खाना है. तो उसकी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो पेशेंट होता है वो जिस डिजीज़ कंडीशन का होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मतलब बताते हैं कि आपको इस तरह के जो खाने हैं उसको खाना को खाना है ऐसे ऐसे. जैसे अगर मतलब जितने भी उसकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग बेसिकली मैं अगर बोलूँ तो उसके हम उसको खाने के लिए करते हैं इन्फ्लुएंस, और उसको मतलब एक्सरसाइज के लिए जो रेंज ऑफ मोशन होता है अगर वो एक्टिव नहीं है तो उसको हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन के बारे में बताएंगे. मतलब कि उसका कोई फैमिली मेम्बर जो है उसको कुछ मतलब एक्सरसाइजेस कराए तो इसको बोलते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन. तो अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी फॉर अ नर्स टू हैव इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव केयर. ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शंस में है कि इग्नोरिंग पेशेंट कंप्लेंस, बीइंग अनऑर्गेनाइज्ड, अटेंशन टू डिटेल, लैक ऑफ नॉलेज टू मेडिकल टर्मिनोलॉजी.
तो अब देखो, इग्नोरिंग कर देगा पेशेंट को, कंप्लेन को, फिर ये भी तो गलत बात है। और अनरिकॉग्नाइज्ड भी नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज भी भाई, मेडिकल टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर उसके बारे में पेशेंट को नॉलेज नहीं, सॉरी नर्सिंग ऑफिसर को नॉलेज नहीं रहेगी तो पेशेंट की देखभाल कैसे करेगा वो। तो इसलिए कौन सा इसका सबसे अच्छा बेस्ट यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि अटेंशन टू डिटेल, जो भी मतलब डिटेल्स हैं उसके बारे में उसको अटेंटिव रहना है कि मतलब कब कौन सी डोज उसको कब देना है, कौन सी दवा है ना, कब उसको IM IV कैसे क्या है, तो उसको अटेंटिव रहना होता है नर्सिंग ऑफिसर को हर टाइम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग है डिजीज यूजिंग इमेजिंग टेक्नोलॉजी। कौन सा डिपार्टमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए। इमेजिंग टेक्नोलॉजी देखो उसको बोलते हैं, जैसे जो आपका एक्सरे हो गया, MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, इसको बोलते हैं, ये सब जो आता है इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। तो अब बाकी ये सब जो चीज़ें होती हैं, अब देखो जो रेडियोलॉजी होता है, पहले और ऑप्शन देखते हैं। ऑनकोलॉजी, ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट बेसिकली इसमें हम जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। जो न्यूरोलॉजी होता है, न्यूरोलॉजी में हम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट को उसको डील करते हैं। एंड कार्डियो, आपको पता ही होगा कि हार्ट से रिलेटेड चीज़ें इसमें डील की जाती हैं। लेकिन जो रेडियोलॉजी होता है, रेडियोलॉजी में बेसिकली हम जो इमेजिंग जो मतलब टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका हो गया एक्सरे हो गया, CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, इन सबको हम किस में डील करते हैं, किस डिपार्टमेंट में, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका 6 का फर्स्ट जो है सही ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनेस्थीजिया ड्यूरिंग सर्जरीज एंड अदर मेडिकल प्रोसीजर। देखो जो एनेस्थीजिया होता है, एनेस्थीजिया मतलब बेसिकली पेशेंट को आपने सुना होगा कि ऑपरेशन से पहले बेहोश करते हैं, तो जो एनेस्थीजिया होता है, एनेस्थीजिया एक मतलब ड्रग्स जो एक अलग पूरा डिपार्टमेंट ही होता है एनेस्थीजिया डिपार्टमेंट। इसके अंडर में जो मतलब डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पेशेंट को ऑपरेशन होने से पहले एक एनेस्थीजिया प्रोवाइड करते हैं, ताकि अब उसको पेशेंट को मतलब पेन ना हो, नहीं तो फिर अगर एनेस्थीजिया नहीं लगाएंगे तो पेशेंट उठ के भाग जाएगा, ऑपरेशन कराएगा ही नहीं हो। तो इसलिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है एनेस्थीजिया, वहाँ से डॉक्टर्स आते हैं और ऑपरेशन से पहले वो पेशेंट को एनेस्थीजिया प्रोवाइड करते हैं। जब तक सर्जरी नहीं हो जाती तब तक वो वहाँ पे रुके रहते हैं, और आफ्टर जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो फिर हो जाते हैं वहाँ से। तो कौन, अब ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। एनेस्थीजियोलॉजी डिपार्टमेंट, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट एंड क्या है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन सातवें का सही होगा। पहला होगा कि एनेस्थीजियोलॉजी डिपार्टमेंट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा डिपार्टमेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो डाइजेशन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करने में कौन सा जो है वो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला क्या है, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड बी है नेप्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंड सी है पल्मोनरीलॉजी, एंड डी क्या है हेमाटोलॉजी। तो देखो जो यह है नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में बेसिकली हम जो मतलब जो यूरिनरी चीज़ें मतलब रिलेटेड होती हैं, जैसे किडनी सी हो गई या फिर किसी को यूरिन सही से पास नहीं होता है ना, तो नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन समझ लो ऐसे। तो मतलब क्या जो यूरिनरी मतलब प्रॉब्लम से संबंधित चीज़ें होती हैं ना उसको डील करते हैं इसमें। एंड पल्मोनो मतलब क्या होता है, जो आपका लंग हो गया, तो मतलब अगर आपको रेस्पिरेटरी से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उसको हम किस में पल्मोनोलॉजी में डील करते हैं। हेमाटोलॉजी बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जहाँ हम ब्लड की स्टडी को करते हैं। तो इसका क्या है, पहला ऑप्शन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, मतलब कि मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उससे अगर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको हम कौन से डिपार्टमेंट में दिखाने ले जाएंगे, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में। ठीक है, वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको इस प्रॉब्लम को देखेंगे। अगला ऑप्शन है, सॉरी अगला क्वेश्चन है कि विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इमरजेंसी मेडिकल केयर। कौन सा डिपार्टमेंट होता है जो मेडिकल इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करता है। तो पहला क्या है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, बी है डर्मेटोलॉजी, सी है ऑर्थोपेडिक्स, एंड डी है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। तो देखो जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट होता है इसमें बेसिकली मतलब मानसिक रोग संबंधित जो भी पेशेंट आते हैं उनको हम दिखाते हैं। ठीक है, तो बाकी देखो मैं हर जितना भी ऑप्शन है सबको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, ताकि आपको जो
अब कि आपको कई ऑप्शंस कहीं और मिले तो आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाओ, ठीक है। तो इसको अच्छे से अप्रिशिएट करना। एंड सी क्या है यहाँ पे, ऑर्थोपेडिक्स मतलब कि जो हड्डी या फिर बोन्स जो फ्रैक्चर वक्चर जैसे हो गया तो उन सब के जो पेशेंट होता है उसको हम किस में, ऑर्थोपेडिक्स में डील करते हैं। डर्मेटोलॉजी बताया था, स्किन से रिलेटेड चीज़ें। एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो होता है उसमें हम इमरजेंसी मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग डिजीज एंड डिसऑर्डर ऑफ ईयर नोज एंड थ्रॉट, ठीक है। मतलब क्या क्या बोला है, ईयर मतलब आपका कान हो गया, नाक हो गया, और थ्रॉट मतलब गला। इन सब चीज़ों को हम किस डिपार्टमेंट में डील करते हैं, तो ऑप्शंस क्या क्या है, क्या है ओटोलेंजियोलॉजी डिपार्टमेंट, सी है रिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, सी क्या है एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड डी क्या है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो किस में हम इसको डील करते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, ओटोलेंजियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। ये जो होता है यहाँ पे हम ऐसे पेशेंट को दिखाते हैं, ठीक है, जो मतलब बेसिकली सो ENT भी कम ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो 10th का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 10th का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज ऑफ ब्लड, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड की डायग्नोसिस मतलब ब्लड की जांच और उसको ट्रीटमेंट के लिए। तो ऑप्शंस क्या क्या है, हेमाटोलॉजी, बी क्या है इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट, सी है रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड डी क्या है पल्मोनरी डिपार्टमेंट। तो 11th का क्या होगा, 11th का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट। हेमाटो का मतलब ही होता है ब्लड होता है, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हेमाटोलॉजी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कि विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग डिजीज एंड डिसऑर्डर ऑफ मसल्स एंड बोन्स, कौन सा डिपार्टमेंट होता है जो मसल्स एंड बोन्स की प्रॉब्लम को ट्रीट करने में हेल्प मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है करने के लिए। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है, ऑप्शंस हैं यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स, डर्मेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे पहला होगा ऑर्थोपेडिक्स जो डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे हम मसल्स एंड बोन्स से जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको उसके लिए यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज इन द यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला क्या है, यूरोलॉजी, बी है एंडोक्राइनोलॉजी, सी है कार्डियोलॉजी, एंड डी है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। तो देखो जो जो मतलब पहला ऑप्शन क्या है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, जो भी आपका यूरिनरी सिस्टम है उससे अगर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उसको हम किस में, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम, कौन सा डिपार्टमेंट होता है जो नर्वस सिस्टम के ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑन्कोलॉजी, हेमाटोलॉजी एंड साइकेट्रिक डिपार्टमेंट एंड न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 14 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो क्या चीज़ें डील करता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं उनको हम दिखाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग डिजीज एंड डिसऑर्डर ऑफ द स्किन, कौन सा डिपार्टमेंट होता है जो स्किन से संबंधित चीज़ों की प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर उसमें हम दिखाते हैं जो भी हमें स्किन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंड इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनो का मतलब जो आपका इंडोक्राइन सिस्टम होता है, इंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम किस में दिखाते हैं, क्या है इंडोक्राइनोलॉजी में, या किसी कुछ अगर हार्मोनल आपका प्रॉब्लम है तो उसको हम इसी डिपार्टमेंट में दिखवाते हैं। एंड फर्स्ट क्या है, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट। डर्मेटो का मतलब ही होता है कि आपको मतलब स्किन से संबंधित, लॉजी का मतलब स्टडी। तो हम किस में दिखाते हैं स्किन से संबंधित डिसऑर्डर्स, डर्मेटोलॉजी में। तो
तो ये तो आज के हो गए कुछ इम्पोर्टेंट जो है 15 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम से पूछे गए हैं या तो नहीं तो फिर आपके एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं, एग्जैक्ट सेम ही क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चंस अगर आपको लग सही उस समय PDF तो उसकी प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं इसकी जो है क्या करता हूँ PDF जो है इसे हर वीडियोज़ की अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ से जाकर PDF आपको मिल जाएगी और उसको टाइम टाइम पर आप क्या है रिवाइज आपको करते जाना है, नहीं तो फिर चीज़ें जो है आपको एग्ज़ाम तक भूल जाएंगी और अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाओगे। इसलिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से जाके आप PDF आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो मैं कमेंट सेक्शन में अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके मेरे से कमेंट अपना जो है डाउट है उसको आप पूछ सकते हो। लेकिन देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो भी आपका डाउट अगर होगा तो डाउट को सिर्फ डायरेक्टली मेरे से पूछा करो तुरंत, है ना, ये नहीं पहले हेलो हाय भैया कैसे हो कैसे नहीं, मेरे से ये सब मत पूछा हो, डायरेक्ट जो आपको बात है जो आपको इशू है जो आपको प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ठीक है, सीधा मेरे से वो चीज़ पूछा करो, ना कि हेलो हाय कैसे हो कहाँ हो ये मेरे से मत पूछा करो। जो भी आपको सीधा प्रॉब्लम है सीधा आप एग्जैक्ट उस पर आया करो, ठीक है। तो नहीं तो फिर आप लोग बोलते हो कि आप रिप्लाई नहीं करते हो ऐसा नहीं करते हो, तो देखो यही रीज़न है कि आपको जो दिक्कत है सीधा उस पर आया करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।